हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वैदिक काल पार्ट टू। जिन्होंने वैदिक काल पार्ट वन नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर वीडियो ज़रूर देखें। और आप सभी को बता दें कि मैंने यह नया बैच स्टार्ट कर रखा जो कि क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पूरा हिस्ट्री जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद वैदिक काल आज पार्ट सेकंड है तो इसको आज देखने चल रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि समलैंगिकता पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आप उसको जाके वीडियो ज़रूर देखें। और आज के वैदिक काल के पार्ट सेकंड को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। मैंने वहाँ पर 40% करा दिया था, तो आज का 40वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? आपको बताना है कि किस वेद, ऋग्वेद में नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? सिंधु को कहा गया है, वितस्ता को कहा गया है, या परसुड़ी या सरस्वती को? तो आपको बताना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे नदी कहा गया है। पुरुषोक्त भाग है, पुरुषोक्त किसका भाग है? महाभारत का, भगवद गीता का, ऋग्वेद का या अथर्ववेद का? पुरुषोक्त किसका भाग है? आपको सही जवाब देना है। आपके पास ऑप्शन है और आपको पर्याप्त समय भी दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य के कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य के कौन से सम्मिलित नहीं है? संहिता, स्मृतियाँ, आरण्यक या उपनिषद? आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। वैदिक साहित्य के में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृतियाँ जो हैं वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य और सीमान्तोन्नयन? आपको बताना शिक्षा से कौन संबंधित नहीं है। आपके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सीमान्तोन्नयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रधानत्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? भगवद गीता, भागवत, उपनिषद या ब्रह्म सूत्र? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मत्रयी में सम्मिलित नहीं है भागवत। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी भगवत गीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त या शुल्ब सूत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 48, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में किन ऋग्वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है? आपको बताना है अग्नि रुद्र सोम, मित्र पूसा सोम, इंद्र वरुण सोम, सूर्यम या वरुण नासत्य मित्र इंद्र? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? बैल को, भेड़ को, गाय को या ऑप्शन डी हाथी को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को अघन्या माना गया है वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहू का या कलाई का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्क जो है ये गले का आभूषण था। नेक्स्ट प्रश्न है, यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? यम तथा नचिकेता की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मुंडकोपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या तैत्तरीय उपनिषद में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए प्रकृति पूजा, ऑप्शन बी मंत्रोच्चारण, ऑप्शन सी मूर्ति पूजा, ऑप्शन डी यज्ञ?
आपको बताना वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है, तो वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद वर्णित है। ऑप्शन ए है बृहदारण्य, ऑप्शन बी है छांदोग्य, ऑप्शन सी है कौशतकी, ऑप्शन डी है स्वरत्वास्वर। तो सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्य। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 44, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है किसके द्वारा? की गई है जे आर शर्मा द्वारा, एच डी संकलिया द्वारा, ए घोष द्वारा या बी बी लाल द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 55, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है? हिरण्यकर शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद में हिरण्यकर शब्द मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों को कहा गया है, वेदों को कहा जाता है वेदांत, दर्शन, ध्वनि उच्चारण या व्याकरण? आपको बता दें कि प्राचीन काल में लिखने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, तो वेदों को कहा गया है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्वनि उच्चारण। ठीक है, वेदों का उच्चारण जो है सुनकर और बोलकर किया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग का हिस्सा नहीं है ज्योतिष, कल्प, नियुक्त या आगम? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, 3 का नाम दिया गया है और एक इनमें से वेदांग का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालखिल्य का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना? ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सप्तपदी का अर्थ है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 256 बार, 176 बार, 356 बार या 121 बार? तो घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 256 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? इनमें से कौन सा वेद है जो श्रुतियों के अंग नहीं है? और संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ग्रंथ व वेदों का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधु मूल्य, विधवा विवाह, बाल विवाह? तो आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद काल में बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या मुंडक उपनिषद? तो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मध्य देश में, कुरुक्षेत्र में, गंगा का मैदान या सप्त सैंधव प्रदेश में? भारत में आर्यों ने जब प्रवेश किया तो वो अपना निवास कहाँ बनाए थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? दवाओं का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद में दवाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? आपसे पूछ सकते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, उनमें से 16वें संस्कार में उपनयन संस्कार किस क्रम में है? तो सही जवाब हो जाएगा 11वें स्थान पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 4 वर्ण होते हैं
उनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? पांचवें में, नौवें में, सातवें में या दसवें में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दसवें में। ऋग्वेद के ऋग्वेद में जो है चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। वेदों को कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है? स्मृति, श्रुति, वेदांत या वेदांग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये सुनकर याद किए जाते थे। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है वीरेंद्र, ऑप्शन बी है पुरंदर, ऑप्शन सी है पशुपति, ऑप्शन डी है मारुत। तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था, याद रखना स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और इसके बाद जो है आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद जय भारत।